नमस्कार। तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था पाइथन लेवल 2 में लिस्ट और टपल्स के बारे में। तो लिस्ट और टपल्स के बारे में हमने बेसिक चीज़ें देखी और थोड़ा एडवांस चीज़ें इस बार हमने देख ली थी। और अब हम शुरू करेंगे सेट और डिक्शनरी के बारे में। तो आप देख सकते हैं इनका अनोटेशन दोनों कर्ली ब्रैकेट्स में होता है, पर इनकी डेफिनेशन बहुत ही डिफरेंट होती है। तो हम सेट से शुरू करते हैं। थोड़ा मैंने उल्टा सीधा लिख दिया, पर डिक्शनरी से पहले हम सेट पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले सेट से शुरू करते हैं। मैं एक टर्मिनल खोल लेता हूँ और यहाँ पे पाइथन की कमांड लाइन चालू कर देता हूँ। थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इसमें हम लोग सेट का यूज़ करेंगे। सेट का यूज़ करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेट को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली हम सेट भी बना सकते हैं। पर मैं एक लिस्ट के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंस है, ताकि आप समझ सकें। तो मैं खाली लिस्ट की बजाय एक अजीब सी लिस्ट बनाऊंगा, जिसमें कि 1,1,1 लिख दूंगा और 2,2 लिख दूंगा और 3,3,3 लिख दूंगा। इसके बाद में 0,0 डाल देता हूँ और -1,-2 डाल देता हूँ। ठीक है, ये एक लिस्ट है जिसमें 1 3 बार हो रहा है, 2 2 बार हो रहा है और 3 3 बार हो रहा है, 0 2 बार हो रहा है, -1 और -2 एक एक बार हो रहे हैं। तो ये अजीब सी लिस्ट लगेगी आपको, क्योंकि ठीक है इसका कुछ रीज़न भी हो सकता है क्यों ऐसी लिस्ट है, पर एक लिस्ट है। अब मैं इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करूँगा। सेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि ए नाम का सेट बनाऊँगा और उसे ए नाम की लिस्ट से ही इक्वेट कर दूँगा। तो सेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए। तो हमारे पास एक ए नाम से सेट बन जाएगा। आपने जब ए को क्लिक करता हो तो आप देखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये सभी नंबर्स हैं। तो आप देखेंगे 0 जो हमने 2 बार डाला था यहाँ पे, वो यहाँ पे एक बार आया है। उसके बाद हमने 1 3 बार डाला था, पर इसमें यहाँ पे 1 1 बार आया है। और 2 हमने 2 बार डाला था, पर 2 भी एक बार आया। तो आप देखेंगे कि सभी वैल्यूज़ जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही थी लिस्ट में, वो सेट में रिपीट नहीं होती है। तो सेट जो होता है यूनिक वैल्यूज़ की लिस्ट होती है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो सेट हमेशा यूनिक वैल्यूज़ ही कंटेन करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सेट में कोई सी भी, जैसे हमने लिस्ट को जिस ऑर्डर में डाला था उस ऑर्डर में, ज़रूरी नहीं है कि सेट उस ऑर्डर में लिस्ट को रिटर्न करे। तो जैसे 0 हमने कहीं बीच में डाला था, उसके बाद -1 -2 डाला था, पर 0 पहले आ गया, उसके बाद 1 2 3 आ गया, फिर उसके बाद -2 और -1 उसने हमको आउटपुट दिया। तो सेट हमेशा ऑर्डरली रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम जनरली ये ऑर्डर कंसिडर करते हैं कि 0 1 2 3, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इनको ये पहले रखेगा और फिर नेगेटिव नंबर्स को ये बढ़ाता चला जाएगा। पर ठीक है, मैं बोलूँगा आपको कि अगर आप सेट का यूज़ कर रहे हैं तो आप ये अज्यूम मत कीजिए कि वो ऑर्डर में रहेगा। सेट हमेशा अनऑर्डर्ड लिस्ट रहेगी विथ यूनिक वैल्यूज़। तो ये मैं सेट की डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ। तो अब सेट में हम कौन कौन से ऑपरेशंस लगाते हैं, इसलिए हमको एक और सेट बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि हम जनरली सेट में दो सेट के साथ ऑपरेशन बनाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ए डॉट लगाता हूँ और एक टैब दबाता हूँ, और टैब 2 बार दबाने पर उसको पता चलता है कि सेट में हम इतने सारे ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे ऐड, क्लियर और कॉपी, आप समझ गए होंगे, आपने लिस्ट में भी इस तरह के ऑपरेशन देख रखे हैं। जैसे कोई नंबर आपको ऐड करना है, अगर आपको पूरा सेट क्लियर करना है तो आप ऐड और क्लियर लगाएंगे, ऐड करना है तो ऐड, कॉपी करना है तो उस सेट को कॉपी करके दूसरा सेट नाम उसी नाम से बना सकते हैं। पर वो ऑपरेशन जो आप सेट इस किसी सेट पे लगाएंगे, वो दूसरे उस सेट पे लगाएंगे, तो वो एक जैसे एक दूसरे को कॉपी नहीं करेंगे, वो डिफरेंट होगा, पर एक बार ही हम कॉपी कर सकते हैं। किन्हीं दो सेट का डिफरेंस, ए डॉट डिफरेंस, किन्हीं दो सेट में से हमको किसी सेट में से हमको नंबर डिस्कार्ड करना हो, डिस्कार्ड, डिफरेंस अपडेट असाइनमेंट के लिए। अगर हमको ए में डिफरेंस अपडेट करना है तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ए डॉट डिफरेंस निकालेंगे तो ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी ना दूसरे सेट की वैल्यू। तो डिफरेंस अपडेट जो अपडेट अंडर स्कोर करके है वो उस सेट को अपडेट कर देगा, तो वो सेट की वैल्यू चेंज कर देता है। बस यही अंतर है इन ऑपरेशंस और अंडर स्कोर अपडेट वाले ऑपरेशंस में। इसके अलावा पॉप भी वैल्यू रिमूव करता है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, रिमूव भी वैल्यू रिमूव करता है, आर्ग्यूमेंट लेता है। पर रिमूव जो है, रिमूव और डिस्कार्ड में आप देखेंगे एक अंतर होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम एक और सेट बनाते हैं, उसका नाम बी इक्वल टू करके, उसमें मैं डाल देता हूँ वैल्यू 5,7। तो आप देखेंगे बी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है। तो हम देखेंगे दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 और 7 बी में है। तो मैं सबसे पहले 3 बेसिक इफ एल्स या फिर आप बुलियन स्टेटमेंट्स को कंपाइल करके बताता हूँ, इज डिसजॉइंट, इज सबसेट और इज सुपर सेट। तो मैं एक और सेट बनाना चाहता हूँ सी, जो कि ए के साथ में कॉमन वैल्यूज़ रखेगा। उसमें मैं 1,2 डाल देता हूँ और मैं इंटर मार देता हूँ। आप सी देखेंगे, सी बी और ए, तो इन 3 सेट में बी और ए के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कॉमन टर्म्स नहीं है, ना ही सी और बी के बीच में कोई कॉमन टर्म्स हैं। पर आप देखेंगे ए और सी के बीच में 1 और 2 दोनों ही कॉमन है।
तो आप देखेंगे कि वन और टू में से हम सेट ए के अंदर से अगर हम कुछ काटें तो हम वन और टू बना सकते हैं, पर हम सेट सी के अंदर कुछ ऐड करेंगे तो ही हम वन और टू बना सकते हैं। तो अगर हम बिना ऐड करे उस सेट के अंदर से कुछ नंबर लेके एक नया सेट बना सकते हैं तो हम उसको सबसेट बोलेंगे। मतलब जो सी सेट है वो ए का सबसेट है। तो हम देखते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। ए डॉट, अब डिसजॉइंट में बता देता हूँ। डिसजॉइंट अगर कुछ कॉमन नहीं है हम दोनों के बीच में तो हम उसको डिसजॉइंट बोलेंगे। जैसे ए डॉट इज डिसजॉइंट बी, तो अगर देख सकते हैं बी सेट 5,7 है और ए इतना बड़ा 1, 2, 3, -2, 1 है तो वो डिसजॉइंट है क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, तो ये ट्रू दे देगा। अगर आप उल्टा भी करेंगे इस ऑपरेशन को, बी डॉट ए लगाएंगे तो भी आपको ट्रू ही देगा, तो डिसजॉइंट हो गया। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ए डॉट इज सबसेट, अगर ए का सबसेट सी है तो वो ट्रू दे देगा क्योंकि हमने इसी से हिसाब से डिफाइन करा है कि सी जो है ए का सबसेट हो, तो ये ट्रू दे देगा। तो अब देखेंगे, तो सॉरी वो मैंने मेरी गलती है, अगर हमको सबसेट चेक करना हो तो हमको चेक करने का पड़ेगा क्या सी ए का सबसेट है, तो इस तरह से बताएगा सी अगर ए का सबसेट है तो ये हमको ट्रू दे देगा। तो इस तरह से होता है। और अगर ए डॉट इज सुपर सेट ऑफ सी, अगर ए सी का सुपर सेट है, मतलब ए जो है सी के ऊपर आता है, सुपर सेट मतलब कि सी को कवर कर ले जो, तो अगर ए सी को कवर कर सकता है तो मतलब सी का सब सुपर सेट हो गया ए, मतलब सी ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सी के अंदर से ज़्यादा हैं पर सी के सभी एलिमेंट को कवर भी कर लेते हैं। जैसे सी के अंदर सिर्फ 1 और 2 है तो ए के अंदर 1 और 2 भी हैं और सी के अंदर उससे ज़्यादा एलिमेंट भी हैं और ए के अंदर उससे ज़्यादा एलिमेंट भी हैं, तो इसलिए ई इज ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी, तो ये भी ट्रू दे देगा। पर अगर आप उल्टा करेंगे, जैसे यहाँ पे आप ए लगाएंगे और यहाँ पे आप सी लगाएंगे तो ये फॉल्स दे देगा। तो इस तरह से सबसेट सुपर सेट इज डिसजॉइंट, और ये आप देख सकते हैं। मैं आपको एक और बार टैब दबा के बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ। अब हम डिफरेंस, इंटरसेक्शन और यूनियन लेंगे। तो ए डॉट, सबसे पहले मैं आपको यूनियन बताता हूँ, ए डॉट बी का यूनियन। तो हमारे पास ए डॉट बी, हमने देख रखा था ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू आप देखेंगे तो ए की वैल्यू ये है, अभी भी ए की वैल्यू चेंज नहीं है, और बी की वैल्यू ये है। अगर हम इनका यूनियन लेते हैं तो ए प्लस बी करके एक सेट बनेगा, मतलब ए में जो नंबर हैं और बी में जो नंबर हैं वो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ए यूनियन बी जुड़ जाएंगे से मेरा मतलब ये है कि मिक्स हो जाएंगे, प्लस वाला मतलब धन नहीं होगा उनका, पर वो दोनों एक साथ एक सेट में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे 0, 1, 2, 3, 5, -1, 7, 2। ऑर्डर जैसा कि आपने देखा सेट में हमेशा ऑर्डर कुछ भी होता है, जैसे आप 5 और 7 को जहाँ पे आना चाहिए था वहाँ पे नहीं आया, जो मैंने अज्यूम करा था वो नहीं है। तो आप कभी भी सेट को ऐसा मत सोचिए कि ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिसमें यूनिक एलिमेंट होते हैं। और यूनियन भी में आपने देखा कि जो ए के साथ में बी वाला यूनियन था, और इसको आप उल्टा भी करेंगे तो भी ये वही रिजल्ट देगा, मतलब नंबर्स वही होंगे उसमें, ऑर्डर मैं नहीं बता सकता ऑर्डर कैसा भी हो, तो इसने अभी वही रिजल्ट दिया है। ऑर्डर आप देख सकते हैं 7 उल्टा सीधा हो गया है। तो इस तरह से ए यूनियन बी और बी यूनियन ई सेम सेम रिजल्ट देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ए, क्योंकि इंटरसेक्शन अवेलेबल है, जैसा कि आप देखेंगे 3 और 5 में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। जैसे देखेंगे आप ए और बी जो सेट है, आप ऊपर हमें ऊपर फिर से आ जाता हूँ, आप देखेंगे ए सेट है और बी सेट है, इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जब कॉमन नंबर है ही नहीं तो इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, जैसे कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनमें एक पॉइंट तो कॉमन होता है तो वो इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरह से सेट भी इंटरसेक्ट करते हैं। पर अगर कुछ पॉइंट कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन इनका 0 दे देगा। तो एक खाली सेट दे दिया जो कि 0 सेट हम बोलते हैं, नल सेट, तो उसने वो दे दिया हमको, तो नल सेट। और अगर मैं डिफरेंस बोलना चाहूँ आपको, तो डिफरेंस बेसिकली वो होगा कि इस सेट की वैल्यू में से बी सेट की वैल्यू घटा दो। अगर बी सेट की वैल्यू में अगर और से ए सेट की वैल्यू में कुछ कॉमन नहीं है, ए माइनस बी, तो वो हमको ए सेट की वैल्यू ही रिटर्न कर देगा। तो देख सकते हैं आप, अगर बी सेट कॉमन, बी ए सेट की वैल्यू में बी सेट की कोई सी वैल्यू कॉमन नहीं है तो वो हमको डिफरेंस दे देगा। पर अगर जैसे सी, हमने सी सेट देखा, तो सी सेट में आपको एक बार और दिखा देना चाहता हूँ, सी सेट में 1,2 है। तो अगर मैं अब डिफरेंस लेता हूँ, तो जैसे ए डिफरेंस बी की जगह ए डिफरेंस सी लेता हूँ, तो 1,2 गायब हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 1,2 गायब हो गए, 0, 3, -2, -1 रहेगा। तो इस तरह से हम डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन देख लिया। तो डिफरेंस क्या होता है, अगर वैल्यूज़ नहीं है उसमें तो वही का वही सेट दे देगा जो आगे है, ए डॉट डिफरेंस बी। अगर बी में वो वैल्यूज़ नहीं है जो ए में है तो डिफरेंस नहीं होगा, ए का ए रिटर्न हो जाएगा। तो
इस तरह से ये होता है। अपडेट क्या करता है कि जैसे अगर ए अंडर स्कोर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑलमोस्ट यूनियन के जैसा काम करता है, तो पर मैं आपको जैसे बताता हूँ, जैसे ए डॉट यूनियन बी लेते हैं आप, तो वो ए की वैल्यू चेंज कर देता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ए डॉट डिफरेंस अपडेट बी, तो अभी तो हमने सॉरी सी लेते हैं, तो ए डॉट डिफरेंस अपडेट सी प्रिंट तो वही करेगा जो यहाँ पे था, पर प्रिंट इस तरह से करेगा कि ए को ही चेंज कर देगा। उसने ए की वैल्यू अपडेट करके यही रख दी है, पिछली बार उसने प्रिंट कर दिया था और यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज नहीं होती, अभी ए की वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, तो डिफरेंस अपडेट क्या करता है, उसकी वैल्यू चेंज कर देता है, पर सिर्फ डिफरेंस, नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ जो है रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट और रिटर्न थोड़े डिफरेंट होते हैं सेट्स में। तो सेट में बेसिकली इतना ही चीज़ें चलती है। मैं सेट का ये ट्यूटोरियल अभी तो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अगला हम डिक्शनरी को देखेंगे। सेट में और भी चीज़ें हमको, अगर जब बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो हम सेट का यूज़ करेंगे। तो अभी मैं अपना ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।